हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा तरोई। और उससे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैंने ये तरोई को अच्छी तरह से धुल के और इसको छील लिया है, और इसको अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। कि आपको इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी तरोई काट ली है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो गाइज, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसको हम 20 से, ये देखिए 20 से ऐसे करके सभी टुकड़ों को, ये देखिए इस तरह मैंने सारे तरोइयों को कर लिया है 20 से। और अब इसको एक तरफ रख, इसका मैं मसाला अब तैयार करूंगी। तो मैंने सौंफ लिया है, अजवाइन लिया है, मेथी ली है, जीरा लिया है और हल्का दरदरा धनिया लिया है। तो अब मैं इसको तवे में अच्छी तरह से तल लूंगी। सॉरी गाइस, तवा या कढ़ाई पे आप किसी में भी तल सकते हैं। तो मैं, ये देखिए कढ़ाई मेरी हो चुकी है। तब इसमें हम डालेंगे सौंफ, मेथी, अजवाइन और जीरा। धनिया बाद में करते हैं, बाद में कर लूंगी धनिया। इसी में हम धनिया भी डाल देंगे। अगर आपके पास खड़ी धनिया हो तो आप खड़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद इसे पीस लूंगी। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर इसमें डाल देंगे। इसमें अब स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। ये देखिए नमक मैंने डाल लिया है। अब इसमें जरा सा गर अब इसमें जरा गरम मसाला डालेंगे। मैंने अब इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। और अब इसमें ऐड करूंगी मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा सा खट्टा डालना है, खटाई वगैरह ये डालना, खटाई पाउडर, तो आप डाल सकते हैं। तो अब इसे मिक्स करने के बाद इसमें हल्का तेल मिला लेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का तेल, ताकि आसानी से हमारा ये जो पेस्ट है अच्छे से भर जाए तरोइयों के अंदर। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए इसको, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और सॉरी गाइस, मैंने हींग नहीं दिखा पाई, इसमें मैंने हींग भी ऐड कर लिया है। तो अब इसे हम आपको भर के दिखाते हैं। तो ये देखिए, आप हम इसे इसी तरह भर लेंगे। इसी तरह हमें भर लेना है। इसी तरह आप पूरी तरोई अच्छे से भर लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरोई अच्छी तरह से भर लिया है। मैं कढ़ाही में डालूंगी ऑयल। देखिए तेल हो चुका है। अब मैं इसमें तरोइयां डालूंगी।
तो आप देख सकते हैं मैंने सारी तरोइयां डाल दी है और इसे सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए इसे ढकना है, बाकी इसे खुला पकाना है। तो चलिए इसे ढक देते हैं। तो अब मैं इसे एक तरफ कर लूंगी और धीरे धीरे इसको पलटाऊंगी। अब इसे हमें खुला ही पकाना है, अब इसे ढकना नहीं है। तो आपको इसी तरह पकाना पड़ेगा, लाल लाल पकाना है और इसे खुला ही पकाना है। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो देखिए मेरा लगभग लगभग तरोई, भरवा तरोई तैयार हो चुकी है। ये देखिए मेरी भरवा तरोई कितनी अच्छे से, कितनी कुरकुरे टाइप में तैयार हो गए हैं। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ओके बाय बाय।